आई थिंक ये 20 साल की जर्नी है मेरी। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है। मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा। बट एक जिद थी, एक जिद थी, और हजारों लाखों, मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपने एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता है, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुँच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो गए, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का, 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं, ऐसा चलन था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल, 30 साल के बाद नंबर ज़रूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा, हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक
एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज़ करने के लिए। बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग, लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी ज़िंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसको ये, उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास बैक नहीं है, कि हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, हम ही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो आई थिंक मेरे पास 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता, पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज़ थी कि लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। हज़ारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहाँ। तो मुझे लगा यार, ये मैं तो ट्रेन भी हूँ, मुझसे अपनी आर्ट भी आती है, और हज़ारों लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है, इससे तो मैं बहुत बहुत कुछ कर जाऊँगा। तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हज़ारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा, उसी में वो ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतोंडे होगा, उसी में फैजल खान होगा, उसी में माजूमदार साहब होंगे। तो इस तरह के ये कब हुआ, जब मैंने हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे। मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, अब फॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। तो कभी भी आई थिंक, मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था जो 15-10-12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था मैं, आज वो काम आ रहा है मेरे। जहाँ ज़रा सो कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही, आसपास का ही ये बंदा, मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा, तब मोबाइल वोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई
बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी, उस पर लिखती थी कि कचित, लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तू तेरा दिन भी बदलेगा। तो उन सब चीज़ों को देख के कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती है, जो लाइन्स आपको उनका रहना, उन पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। और जब ख़राब वक्त होता है आपको, वो लाइन्स, वो पोएम्स, वो सारी चीज़ें आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पे, जब मैं था वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, एक घंटे के लिए रात में कभी आ गई या एक महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई, इस तरह की लाइट इस तरह होती थी, वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया लैंप। तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली, हमारी दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर लगता था। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे, लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था, तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे, वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते क्यों भाई वापस आ गए तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे, तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ ठीक है। गाँव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग कि शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे अब, हमने वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले ही मना किया था कि मत जाओ, क्या सूरज शक्ल थोड़ा ही थी तुम्हारी स्टार बनने की, एक्टर बनने की। तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहां से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से, ना वहाँ जाता था। मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रेबा सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो और पैशन के साथ, जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू, ऐसे ही आपका भी फील्ड है, कोई भी हर फील्ड ऐसे ही होता है, उसमें असीम संभावनाएँ होती हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर काम में इतनी पॉसिबल, सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है, 1000 तरीके की पैंट सी सकता है अगर वो चाहे तो, अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा, लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो 1000 तरीके की पैंट उसी में 1000 तरीके की सी देगा वो पैंट। ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं और एक परफेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में। जैसे एक मैंने एग्जांपल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये क्योंकि मैंने बचपन में सुनी थी, उन पर दिमाग उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मौजी थे, जूता सीते थे, लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना वहाँ से कभी फटता नहीं था, वो भले दूसरे फट जाए लेकिन वहाँ से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना।
काम भले वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका उनका पैशन है, तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए यार। जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने सी दिया वहाँ पे, जिंदगी भर वहाँ से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन पैशन ये सारी चीज़ें होती है जो आपका आगे बढ़ाती है, बहुत आगे ले जाती है। लेकिन उसके वही है, कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपका, आपकी नॉलेज, जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी, मैं आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे सामने आज तक मेरी, मेरे सामने लकीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लकीली यहाँ तक पहुँच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुँचा हूँ यहाँ पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है। अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं, तो अपने एक रूम में रहता, देखते हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़े ना होता है। ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया, उसके लिए एक महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाड़ा साहब कहाँ से बोलते हैं, उनका सुर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, उनकी वॉइस का, उनकी वॉक कैसे है, वो चलते कैसे हैं, उनका वेट किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हर आदमी का जो वेट होता है, किसी का थाइस पे होता है, किसी का फुट पे होता है, किसी का बट पे होता है वेट, किसी का कमर पे होता है, हर आदमी का एक वेट शिफ्ट करने का एक अलग तरीका होता है। तो मैं, हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाड़ा साहब किन चीज़ों पर वेट कर रख के चलते हैं, ऐसे चलते हैं कोई, या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं, ये क्या, इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती हैं। जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं। मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साहब का रोल कर रहा था, तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए, कॉपी भी ना हो। जैसे अमूमन अक्सर होता है जब हमारे यहाँ बायोग्राफी की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी। कॉपी करना मतलब, अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझे जाती है, क्या आप वीक एक्टर हो। और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मैं ट्रेनिंग के फ़ायदे बता रहा हूँ आपको, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था ये हमें तभी समझ में आ गया था। और प्रिपरेशन के वक्त, बाला साहब की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने कहा इसकी मिमिक्री नहीं होनी, बाला साहब की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, ना कॉपी होनी चाहिए, और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे हैं। क्योंकि चैलेंज ये था कि हजारों लाखों वीडियोस हैं बाला साहब ठाकरे के, हर आदमी ने देखे हुए हैं, सब ने देखे हैं कि बाला साहब कैसे बोलते हैं, कैसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं। एक बार ये हुआ था कि हम, मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था, ठाकरे मूवी की शूटिंग कर रहा था मैं, तो उद्धव साहब ठाकरे जो है वहाँ पे आ गए थे, वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने, तो मैं, मेरा हाथ ऐसे था लाइक दैट। तो बोले आपने हाथ ये ऐसे क्यों रखा हुआ है, मैंने, उनका हमेशा ऐसे ही रहता था हाथ तो, और यही वो क्या होता था, वो सिगार पीते थे, और सिगार ऐसे पिया जाता है कुछ ऐसे, और इसलिए उनका हाथ हमेशा नॉर्मली भी रहता था तो ऐसे रहता था, और यहीं से जब स्पीच देते थे यहीं से ये जाता था, जो उनका सिग्नेचर वो जेस्चर था। तो वो शॉक्ड हो गए कि इतनी डिटेलिंग आपने ली है। तो जब वो फिल्म देखी, उन्होंने तो फिल्म देखने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वाकई बहुत स्टडी की है नवाज़ ने उनके, बाड़ा साहब के ऊपर। तो मुझे खुशी हुई थी कि थैंक गॉड कि ये सारा किस लिए हो रहा है, पैशन की वजह से हो रहा है। एक पैशन है, उसके बाद आपके, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, आपकी ट्रेनिंग है, उससे ये सारी चीज़ें निकलती हैं। लाइक मंटो, ये जितने भी कैरेक्टर्स हुए वो सब हवा में नहीं हुए या लकीली नहीं हो गए, उनके लिए बाकायदा वो छोटी छोटी मेहनत की, छोटी छोटी डिटेल इकट्ठी की गई, स्कोर बनाया उसका, उन डिटेल्स का, तब जाके वो कैरेक्टर जो आप देखते हैं वो एक अलग इंसान, एक अलग इंसान दिखता है वो। मैंने कभी भी हीरोइज्म या इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं किया,
जब आज मुझे बोलते हैं कि तुम तो स्टार हो, मैं सच आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं स्टार हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक्टर ही हूँ और मैं आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, नई नई डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की। स्टार्स का क्या होता है कि जब स्टार होता है एक जैसा होता है और 30-40 साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो। मुझे वो नहीं बनना, अगर मैं ये करूं तो शायद दूसरे दिन ही बोर हो जाऊंगा मैं। मुझे हर रोज नए कैरेक्टर ढूंढने हैं। लोगों के बीच में रहना है क्योंकि लोगों के बीच में रहने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में, पता नहीं कितने लोगों ने देखी वो फिल्म, मुझे नहीं मालूम। उसका कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्त था, जो मेरे रूम पार्टनर स्ट्रगल के टाइम पे मेरे साथ रहता था, तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में। जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसने देखी, उसको लगा अरे ये तो मैं हूं। अब वो भी एक्टर था। उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास काम मांगने जाता था तो लोग उसको बोलते थे यार ये ऐसा मत करिए, नवाज ने कर दिया, कुछ दूसरा कर। तो बोलता हम तो ओरिजिनल में ही ऐसे हैं, उन्होंने हमारा कॉपी किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों के क्या होता है, स्टार्स हमेशा शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं। उनको बैंड्रा में, उनको मतलब किसी ऐसी जगह पर रहते हुए ये नहीं मालूम कि दूसरी जगह क्या है। अगर आप चाहते हैं रोज हर फिल्म में एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करें तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको, भले थोड़ी परेशानियां होती हैं बट रहना पड़ेगा उनके बीच में, मेरा तो ऐसा मानना है। नवाज आप बहुत छोटे से शहर से हैं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी सिटीज से हैं, एक्चुअली मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नेपाल, और इन सब चीज़ों के बीच में बड़े शहरों की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आराम हैं। जबकि आपके शहर या जिस शहर से मैं हूँ, जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं मिलती है, जहाँ पे खाना पीना, जैसे आपने बोला बिजली, कोई भरोसा नहीं होता कब आएगी, जाना तो नॉर्मल है ना? तो वहाँ पे उस छोटे से शहर में रह के एक परिवार में जहाँ पे कभी किसी ने एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था, और आप 8 भाई बहन हैं, सबके साथ रह के परिवार में परिवार का चीज करने की जगह एक अलग से ये जो थॉट आया था अलग से कि मैं एक्टिंग करूँगा, और वो भी काफ़ी दिन बाद जब आपने जॉब भी कर ली उसके बाद, तो जब वो थॉट आया तो परिवार ने आपको सपोर्ट किया? और अगर रिश्तेदारों ने, जैसे आपने बोला कि कहा, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था? सी, मेरे दिमाग में ये तो नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है, बट इतना ज़रूर था कि कुछ तो नया करना है। क्या करूँगा मुझे नहीं आइडिया था, जो सब लोग करते हैं जो वो नहीं, कुछ अलग करना है मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है, और इसीलिए मुझे लगता है आज जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी भी फील्ड में होता, एक्टिंग के अलावा किसी भी फील्ड में होता, तो मैं एक्सपेरिमेंटल ज़रूर होता, क्योंकि मुझे आदत थी कि मुझे ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट, मैं बहुत ही रिबेलियस था, रिबेलियस किस्म का इंसान हूँ मैं, आज भी हूँ, रहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे मुझे अच्छा लगता है वो। क्योंकि क्या है ना कि चलन, जो चलन चल रहा है, आई थिंक उसको बहुत आसान है उस चलन के साथ चलना, उसके अगेंस्ट चलना उसके लिए सालों लग जाते हैं। बीच बीच में आपको ये भी लगता है कि यार शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब पॉसिबल होता है ना तो तब बड़ा अच्छा लगता है, तब ये जैसे आज मुझे फील हो रहा है ना, तब